फिल्म उपकार का एक गाना आया था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो कुछ इसी तरीके की भारत के कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ की जो धरती है वो सोना उगलती है। कहने का मतलब ये कि हमारी जो उत्तर प्रदेश है और जो अन्य राज्य हैं, हर जगह आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खास देखने को मिलेगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के ज़िला जौनपुर में एक बड़ी ही खास बात है। वो ख़ास बात ये है कि माधोपट्टी एक गांव है जहां से लगभग दर्जनों आईएएस निकल चुके हैं, लगभग 50 आईएएस निकले हैं। उस गांव के हर घर से एक ना एक बेटा आईएएस बना है, कोई ना कोई बेटी आईएएस पीसीएस कोई ना कोई सिविल एग्ज़ाम ज़रूर दे के क्रॉस करके निकला है। और आप देख सकते हैं कि वहाँ के जितने भी उस गाँव के छात्र हैं वो इसी स्कूल में आकर पढ़ते हैं। अक्सर लोग आरोप लगाते रहते हैं कि हम निगेटिव चीज़ें दिखाते हैं, तरह तरह की चीज़ें, लेकिन अगर आप आएंगे इस गांव में तो आप देखेंगे कि यहां की जो तस्वीरें हैं आपको बिल्कुल भी अलग नज़र आएंगी। यहां पर एक पुराना स्कूल भी है जिसे जर्जर अवस्था में था, जिसके चलते उसे अब इधर शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ पर अब साइकिल ही खड़ी होती है, इसे साइकिल स्टैंड बना दिया गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कई सारे स्कूल आपको ऐसे भी नज़र आ जाएंगे जहाँ की बिल्डिंग इससे भी ज़्यादा जर्जर अवस्था में आपको देखने को मिलेगी और वहाँ के प्रशासन जो है ध्यान नहीं देता है, बच्चे पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तस्वीरें बिल्कुल आपको अलग नज़र आएंगी। तो यहाँ पर इस स्कूल के कुछ अध्यापक हमारे साथ हैं, टीचर हमारे साथ हैं। सर प्रणाम आप सभी को। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है यहाँ की जो खूबी है कि यहाँ से माधोपट्टी से इतने सारे आईएएस पीसीएस और जितने सिविल एग्ज़ाम वाले बच्चे निकलते हैं? मेन बात है पहले विद्यालय यही था, इसके अलावा अगल बगल कोई विद्यालय नहीं था। पहले सब लोग भाई दूर दूर से लोग आए यहीं पढ़ने और यहाँ पढ़ाई भी अच्छी होती है। पहले टीचर जो हैं अब तो आयोग से सब आ ही रहे हैं, अभी हमारे यहाँ काफ़ी नए टीचर आए हैं जो बच्चों पर ध्यान देते हैं और यही सब है। अच्छा, हम चलते हैं ऐसे इधर का ये जो पुरानी बिल्डिंग है, ऐसे तस्वीरें देखते रहिए आप और हम बातचीत करते रहेंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ माधोपट्टी के जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे इसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं? हाँ हाँ काफ़ी। अच्छा, अब ये जितने CBSE वाले हैं वो CBSE में जा रहे हैं अब लगभग लोग। अब लोग यहाँ आना कम चाहते हैं, जो एक धारणा बन गई है सरकारी विद्यालयों की, और जो कि यहाँ पे आयोग से आ रहे हैं अच्छे से अच्छे टीचर एग्ज़ाम पास करके आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे ये है बिल्डिंग, ये पहले स्कूल था, बता दें कि ये 6वीं से 12वीं तक है ये जो कॉलेज है, तो यहाँ पर ये कब बदला गया और उधर पहले वो बिल्डिंग नई वाली कब बनी है? नहीं, बनी दोनों साथ ही थी। अच्छा। मैं निर्माण कार्य उस पर होता हुआ धीरे धीरे, और यहाँ पे ये पुरानी बिल्डिंग जो है वो एकदम जर्जर हो गई, बच्चों का यहाँ दिक्कत थी। अच्छा। कि कब गिर जाए तो बच्चों पे मुसीबत हो, तो इसलिए वहाँ पे नया था तो सबको ट्रांसफ़र कर दिया गया। अच्छा, गांव में किस तरीके का माहौल है? और जो हमारे साथ पारितोष सर हैं, बता दें कि माधोपट्टी गांव से ही है, तो जहां से सबसे ज़्यादा आईएएस निकले हैं, तो आप थोड़ा हमें बताइए कितने आईएएस निकले हैं आपके गांव से? टोटल अभी हमारे यहां से 47 हैं, टोटल आईएएस पीसीएस 72 घरों में। जी, 72 घरों। तरीके का माहौल है, क्योंकि जब भी बात आईएएस पीसीएस की आती है तो दिमाग में बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेशर होता है बच्चों के, तो यहाँ कैसे माहौल है कि हाँ सब आईएएस पीसीएस की रुचि? देखिए, बच्चों में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ एक निकला फिर अगले की रुचि हुई, पढ़ाई में रुचि ज़्यादा है यहाँ बच्चों में। विद्यालय का भी योगदान था, केला एक विद्यालय था, यहाँ से बच्चे आए पढ़ें, यही सब था पहले। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे जब भी बात आती है और बाकी विद्यालय, मैं कल गया था गाँव में, मैंने तस्वीरें देखी हैं, तो वहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है मैंने देखा, तो उसकी क्या वजह है, क्यों नहीं उसमें सुधार हो सकता? मतलब सरकारी संस्था है, उसमें तो कोई वो है नहीं, अब उसको तो वो सब देखेंगे, हम लोगों का उसमें कोई रुझान तो है नहीं। और ये स्कूल जो है ये इंटर कॉलेज है, प्राइवेट है? नहीं नहीं, तुम एडेड है, एडेड एडेड है, गवर्नमेंट है, तो इसका सारा मैनेजर द्वारा ये सब बनाया जाता है, इसमें कोई फंड आता नहीं है, बिल्डिंग कोई फंड नहीं है, बच्चों का 6-7-8 माफ ही रहता है, बाकी 9-10-11-12 जो है वो जो भी फीस 35-40 में जो लगती है। अच्छा, यहाँ पर औसतन कितने लड़के और कितनी लड़कियाँ पढ़ते हैं? यहाँ टोटल छात्र की संख्या है 2400, हाँ, जिसमें ज़्यादातर बालिकाएँ हैं। बालिकाओं की लगभग 1500-1600 होंगे। अच्छा, हाँ, तो यानी कि बालिकाएँ जो हैं वो ज़्यादा ज़्यादा हैं।
तो आपने देखी पुरानी बिल्डिंग जो है, अब हम आपको लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं जो नई बिल्डिंग है कितनी अच्छे तरीके से बनाई गई है। यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे स्कूल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ मतलब जो है माहौल जो बनाया गया है काफ़ी देख के ही पॉजिटिव नज़र आता है। दूर से ही पता चलता है कि हाँ स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी होती है। हाँ बिल्कुल पढ़ाई होती है और अध्यापक अच्छे आ रहे हैं इस बार। किस तरह का जो माहौल बनाया जाता है, जैसे जितने भी बच्चे आते हैं उनमें कैसे रुचि डाली जाए कि वो पढ़ने की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान आकर्षित हो? नए नए टेक्निक अपनाया जा रहा है, बच्चों को नहीं आ रहा है वो आके टीचरों से पूछें, और टीचर का भी ये रहता है कि कितने अच्छी तरीके से उन लोगों को समझाया जा सके। समझाने के ऊपर होता है कि टीचर अपनी बातें कितने अच्छी तरीके से समझा देता है। तो मैं चाहता हूँ आप चलिए स्कूल में और हमें तस्वीरें जो अंदर की वो भी दिखाते रहिए। पर तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किस तरीके का माहौल होता है गांव में, जैसे बच्चों में जैसे छोटे से रहते हैं तो क्या सबके दिमाग में ही रहता है कि आगे चल के हमें आईएएस पीसीएस बनना है? गार्जियन एज इज गार्जियन जैसे ही ढालेंगे बच्चों को, और यहाँ थोड़ा सा गार्जियन रुचि ज़्यादा रहता है बच्चों के प्रति अपने कि थोड़ा सा हमारा बच्चा कादिस रहे पढ़े और आगे चल के नाम रोशन करे, यही सब है। अच्छा तो जैसे ट्वेल्थ की पढ़ाई के बाद में फिर तैयारी के लिए कहीं और भी जाते हैं? इलाहाबाद। तो ट्वेल्थ यानी कि जो बेस होता है वो बेस काफ़ी यहीं पे मजबूत, बेस मेन चीज़ होता है ना बेसमेंट पे, जो बेसमेंट अगर मजबूत है तो उस पर फिर कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और चीज़ें भी बताई जाती हैं जैसे यहाँ कॉलेज में बच्चों को, जो क्योंकि जो चीज़ें यहाँ सामान्य सब्जेक्ट की अगर बात करें तो वो हर जगह पढ़ाया जाता है वही, तो यहाँ से बच्चे इतने ज़्यादा मतलब सिविल सर्विसेज में कैसे जाते हैं? यहाँ माँ सरस्वती की कृपा है ज़्यादा, यही भाई माँ सरस्वती कृपा है, संस्थापक जी की यही मूर्ति है, यही बनवाए थे हमारे हमारे पर बब्बा हैं। हाँ इसमें मैनेजर रादी हैं। आप देखिए एक बार स्कूल की तस्वीरें, आप यहाँ से मैं बोलूँगा कैमरामैन से कि तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सारी चीज़ें। अच्छा जितने भी सब्जेक्ट के अलावा और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा कराई जाती हों? यहाँ पे म्यूज़िक है, बच्चों को इंस्ट्रूमेंट पूरा सिखाया जाता है, काफ़ी काफ़ी गेम खिलाए जाते हैं, हर चीज़ में जिसकी जो रुचि है उसको करवाया जाता है यहाँ पे। अच्छा बच्चे जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे ऐसे स्कूल भी निकल कर आते हैं जहाँ क्या नाम है अध्यापकों की भी लापरवाही निकल कर आती है, तो वहाँ पर सुधार कैसे लाया जा सकता है, किसको जागरूक होना पड़ेगा सबसे ज़्यादा? इसमें तो जागरूक सबसे पहले गार्जियन को होना होगा कि वो ध्यान दे अपने बच्चों पर, और यहाँ टीचर जो हैं वो ध्यान दे ही रहे हैं, जो बच्चे नहीं हैं उनको पूछने पर बार बार बताया जाता है और देखा जाता है, यहाँ पर हर महीने दो महीने पर टेस्ट लिए जाते हैं। अच्छा आप, मैं चाहूँगा कि चलते रहें हम, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने कभी कोई चीज़ ऐसी नोटिस की है जो आप यहाँ देखते हो कि बहुत अच्छी हो और बाकी जगहों पर ख़राब हो? देखिए हम तो रहते शहर में हैं, लेकिन वहाँ की तुलना में यहाँ अगर बच्चे जो होते हैं समय से ही विद्यालय आना और समय से ही विद्यालय पर वापस जाना घर, और बाकी विद्यालयों में मैं देखता हूँ, शहर के भी काफ़ी विद्यालय में देख रहा हूँ कि छुट्टी होने से पहले ही बच्चे घूम रहे हैं, आधे लोग घर भाग गए, कम हो गए, अनुशासनहीनता है, और जब तक विद्यालय में अनुशासन नहीं है, नियम कानून नहीं है, तब तक विद्यालय कोई मतलब नहीं। अच्छा यहाँ पर बच्चों को मतलब सिविल सर्विसेज में जाने के लिए मोटिवेट भी किया जाता होगा कि हाँ कैसे उन्हें तैयारी? रुचि मोटिवेट नहीं, जैसे कि एक मन को बोला जाता है कि क्या इच्छा है आपकी, क्या बनना चाहते हैं, ये जरूर एक बार क्वेश्चन रुचि के हिसाब से जो उनकी रुचि है वो उस हिसाब से उनको हम लोग ट्रेंड होते हैं, और वो यहाँ पर वैसे भी लोग निकले हैं तो बच्चों की जैसे रुचि है, जिस हिसाब की रुचि है उस हिसाब से वो जाते हैं, कोई ये दबाव नहीं है कि आप वही करो। जिस विभाग में उनका रुचि है, जो मन है, कोई प्रेशर नहीं है कि आप आईएएस बने या पीसीएस बने, ये कोई वो नहीं है, जो जिसमें आपका मन है। माँ सरस्वती की कृपा है इस गांव पर, ये तो है। और अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रतिभाशाली लोग होते हैं कहीं ना कहीं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो गरीबी के चलते परेशान रहते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि जहाँ से जिस गांव से 47 लोग सिविल सर्विसेज में गए हैं, उस गाँव की जो तस्वीर है वो नहीं कुछ खास बदली? मैं कल गाँव में गया था, मैंने देखा कुछ खास मुझे नज़र नहीं आया ऐसा। और हकीकत तो ये है कि जो एक बार बना हमारे श्री प्रकाश चाचा जी हैं, वो कुछ ध्यान दिए गांव में, जो आप गए कल हमारे गांव में देखें, उन्हीं के कारण जो थोड़ा बहुत विकास हुआ वो हमारे श्री प्रकाश चाचा ने कराया, और बाकी जो गया फिर मुड़ के देखा नहीं, नहीं फिर नहीं देखा, नाम तो बहुत है लेकिन फिर कोई दोबारा मुड़ के देखा नहीं, ये तो है। क्या वजह है इसकी? वजह अब कैसे, वो वजह क्या बताया जाए कि जो एक बार गया फिर दोबारा पलट के नहीं देखा।
कई कार्यक्रम फंक्शन में भी आना हुआ, जैसे रुझान इस समय शिवानी SDM हुई है हमारे यहाँ की, उनका ये शिव प्रकाश चाचा जी का, यही दो लोगों का रुझान जाता है। अब बाकी जो बना फिर दोबारा पलट, IP सिंह थे वो, फिर अब तो दुनिया में नहीं रहे IP सिंह, वो भी थे, थोड़ा रुझान था उनका, फिर उसके बाद यही SP सिंह, इन्हीं का जो रुझान था बस, और बाकी जो गया वो आया नहीं लौट के, कभी देखा नहीं। नहीं, नहीं, नहीं कभी नहीं। अच्छा, क्या लगता है कि यहाँ क्या क्या चीज़ें बदल सकती हैं, गांव की तस्वीरें आज भी, या बच्चों को लेकर खासकर कहा जाता है कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं, तो क्या चीज़ें और ज़्यादा बदलाव किया जा सकता है बच्चों को लेकर? बदलाव जैसे कि अब बदलाव में बहुत सी चीज़ें हैं, गाँव में स्कूल तो है ही है मेन प्रमुख चीज़, और यही सब, बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान, अनुशासन, यही सब, और बस। तो यहाँ के जैसे गांव में अक्सर देखा गया है, गांव का जो माहौल होता है काफ़ी बच्चों में और घर वालों में, मतलब पेरेंट्स में और टीचर में एक बड़ा डर रहता है, दबाव रहता है, तो यहाँ का माहौल कैसा है? यहाँ का माहौल भी वही है, गार्जियन अनुशासन, जो आपने कहा कि अभी अनुशासन, गार्जियनशिप थोड़ा सा मेंटेन, मतलब कि गार्जियन थोड़ा तगड़ा रहता है, अनुशासन ज़्यादा। जी, अच्छा सर, मैं आप दोनों से एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि एक चीज़ कहा जाता है कि बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, बिल्कुल, तो वो ज़्यादा सही रहता है या मतलब उनके साथ एकदम टाइट रहना चाहिए, अनुशासन बना के रखना चाहिए? ज़्यादा बच्चों के साथ एकदम फ्रेंड की तरह रहना चाहिए, ज़्यादा अगर प्रेशर भी करेंगे तो दिमाग मोटिवेट हो जाता है, बच्चों के साथ एकदम टाइट अगर गार्जियन कर देगा तो होपलेस हो जाते हैं ये बच्चों, उनके साथ फ्रेंड सर्कल की तरह रहिए और गार्जियन तो गार्जियन रहिए। सर आप क्या सोचते हैं? देखिए, हर एक का मिश्रण होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सबका होना चाहिए, थोड़ा अनुशासन भी होना चाहिए और थोड़ा फ्रेंडली भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर आपसे डर जाएगा तो वो अपना कोई भी चीज़ बताएगा नहीं कि उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझा कि नहीं समझा, तो इसलिए दोनों, हमें जितना है लगता है कि दोनों चीज़ होना चाहिए। हाँ, चीनी और नमक की तरह होना चाहिए, जहाँ जिस चीज़ का ज़्यादा ज़रूरत हो, जैसी ज़रूरत पड़े वहाँ पर, गलती है तो डांटें, नहीं है तो फिर उसको उस हिसाब से समझाया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा जब अनुशासन रहता है बच्चों पर तो कुछ गलत काम करते हैं तो बताते नहीं, फिर पता चलता है जब सानी हो, हाँ, पानी सर के ऊपर चला जाता है तब चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। अच्छा, एक चीज़ और आज के बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, नशे की लत देखी जा रही है, वो कैसे दूर हो सकती है, कैसे इसमें बदलाव लाया जा सकता है? कि क्या कहा जाए, या तो उसको देखिए, गार्जियन के ऊपर है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दे, बाकी हम अपने विद्यालय में तो हर बच्चों को देखते रहते हैं, हमेशा चेकिंग की जाती है कि किसी के यहाँ कुछ मिले ना। हाँ, बाकी तो ये गार्जियन के ऊपर है, संस्कार जो मिलेगा वही बच्चे सीखेंगे। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें खास हैं इस विद्यालय की जो आपको लगता हो कि यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है? यहाँ पर बच्चों में ध्यान दिया जाता है और क्षेत्र में काफ़ी बच्चे दूर दूर से आते हैं, इतने विद्यालय बगल में होने के बाद भी आज हमें लगता है 8-9 विद्यालय, 10 विद्यालय के नहीं होंगे ही अगल बगल मिला के आज, लेकिन हमारे यहाँ स्ट्रेंथ जो है बच्चों की वही 2400-2500 ये हमेशा का है। हाँ, अच्छा, अब मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ आपको लगता है अगर सरकार के द्वारा ऐसा कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए जिससे देश के जो भविष्य है, जितने भी बच्चे हैं, छात्र हैं, एक बड़ा मेजर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा उनमें? देखिए, जो विद्यालय जर्जर हालत में है, पहले तो उसको निर्माण कार्य, क्योंकि माध्यमिक विद्यालयों में देखिए कोई फंड आ नहीं रहा है जिससे कि बिल्डिंग बन सकें, अब हमारे विद्यालय में मैनेजर द्वारा अपने पास से इसको निखारा जा रहा है, निर्माण कार्य होता है और कोई नहीं, और दूसरी चीज़ है कि बच्चे अगर सही तरीके से पढ़ें करें और टीचर ध्यान दे, गार्जियन ध्यान दे, तो मेन यही सब है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ यही सवाल कि सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में क्या बड़ा कदम उठाना चाहिए? सरकार को शिक्षा के मामले में, जैसे कि सरकार तो अपने हिसाब से कर ही रही है बहुत, जैसे प्राइमरी विद्यालयों में देखिए आप बच्चे जाते हैं, उनका मिड डे मील ये वगैरह वगैरह सब चलता है, सरकार विशेष कोई नहीं, वैसे तो अभी सही है सरकार, मतलब यही बिल्डिंगों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार, जर्जर डेवलप थोड़ा सा, हाँ, डेवलपमेंट थोड़ा सा हो, ये सब तरीके से विद्यालय। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि डेवलपमेंट के साथ साथ जो ज़मीनी हकीकत है उस पर भी सरकार को एक सर्वे करवाना चाहिए कि कहाँ अध्यापक बराबर आ रहे हैं, रेगुलर पढ़ा रहे हैं, कहाँ पर नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो गार्जियन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गाँव में इतने ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं, लापरवाही देखने को मिलती है गार्जियन की तरफ से, वो कभी सवाल नहीं खड़े करते हैं अध्यापक पर, हालाँकि यहाँ स्कूल की तस्वीरें आपने देखी ली, और यहाँ के लिए तो अगर बात करें इस क्षेत्र की और स्कूल की, तो ये हर जगह
जगह मशहूर है, यहाँ से सबसे ज़्यादा आईएसपी से सिविल सर्विसेज में जाते हैं। अगर वही दूसरे स्कूल की बात करें, कई और बहुत सारे ऐसे स्कूल आपको यूपी में देखने को मिलेंगे जहाँ पर अध्यापक अनुपस्थित रहते हैं और बच्चे भी वहाँ पर अटेंडेंस अगर उनकी देख ली जाए सीट उठा के तो सबसे कम मिलती है। फिलहाल इन चीज़ों में बदलाव होना चाहिए। आपको मैं अब एक बार स्कूल की तस्वीरें दिखाऊंगा। मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि एक बार ज़रा सामने तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर किस तरीके से स्कूल में बाकायदा पढ़ाई की होती है और भी तमाम चीज़ें अगर आप देखेंगे यहाँ स्कूल में भी आएंगे तो आपको एक पॉजिटिव वेव जो है वो आपको फील होगी यहाँ पर आने के बाद में। तो जाहिर सी बात है यहाँ बच्चों का मन तो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आकार के साथ आदर्श मोहन, सन राइज़ न्यूज़ जौनपुर। Oh, oh, oh.